उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में एक नाबालिग युवती के साथ गैंगरेप का सनसनीखेज मामला सामने आया है। युवती के साथ गैंगरेप की घटना को अंजाम लगभग 4 माह पहले दिया गया था, मगर 4 माह बाद घटना का खुलासा उस समय हुआ जब युवती गर्भवती हो गई और जब युवती के परिजनों ने 3 युवकों के खिलाफ थाने में गैंगरेप का मुकदमा दर्ज कराकर कार्रवाई की मांग की है। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा जहां एक तरफ महिलाओं को सुरक्षा देने की बात कही जाती है और एंटी रोमियो स्क्वाड जैसे कई अभियान चलाकर सुरक्षा देने के दावे किए जाते हैं, वे सभी दावे समय समय पर खोखले साबित नजर आ रहे हैं। ऐसा एक मामला जनपद मुजफ्फरनगर में देखने को मिला है। दरअसल मामला चरथावल थाना क्षेत्र के छिमाओ गाँव का है, जहाँ के रहने वाली एक नाबालिग के साथ 3 युवकों ने गैंगरेप की घटना को अंजाम दिया। युवती का कहना है कि सुदेश, बंटी और सर्वेश, जो कि उसी के ही गांव के रहने वाले हैं, इन तीनों वैश्य दरिंदों ने युवती को अपनी हवस का शिकार बनाया है और उसके साथ बारी बारी से गैंगरेप की घटना को अंजाम दिया है। गैंगरेप की घटना को अंजाम देने के बाद तीनों युवकों ने युवती को डरा धमका कर रखा ताकि युवती पूरे मामले की पोल न खोल दे और डरी सहमी युवती 4 माह तक चुप बैठी रही। इस घिनौने वारदात की घटना को किसी भी व्यक्ति के सामने उजागर नहीं किया, लेकिन 4 माह बीत जाने के बाद जब युवती गर्भवती हो गई तो पूरे मामले की जानकारी नाबालिग युवती के परिजनों को हुई और उसके बाद परिजनों ने युवती से पूरा घटनाक्रम जाना। युवती ने अपनी पूरी दुख भरी दास्तान परिजनों के सामने रखी, जिसके बाद आनन फानन में परिजन युवती को लेकर चरथावल थाना पहुंच गए और गांव के तीनों आरोपियों के खिलाफ गैंगरेप की तहरीर देते हुए थाने में मुकदमा दर्ज कराया। परिजनों ने पुलिस से कार्रवाई की मांग की है। चरथावल पुलिस ने मुकदमा तो दर्ज कर लिया है और अब पूरे मामले में कार्रवाई करने की बात भी कह रही है, लेकिन अब सवाल इस बात का है कि आखिर यूपी में कब तक युवतियों की असमत ऐसे ही लुटती रहेगी। जी, मेरे साथ 4 महीने पहले उन्होंने उल्टा काम किया था। 3 लड़के थे, जिसने उल्टा काम किया था उसका नाम सुधीर था और जो 2 ले गए थे मुझे पकड़ के उनका नाम बंटी और सर्विस था, गांव के ही हैं वे। जी, उन्होंने डरा रखी थी। मैं हमारे थाना क्षेत्र में छिमाऊ गांव में एक युवती जो नाबालिग है उसके साथ 4 माह पूर्व की घटना वो बता रही है कि 3 युवक हैं, उन्होंने उसके साथ गलत कार्य किया है, बलात्कार किया है। लेकिन इसके पिता आज इसको लेकर मेरे पास आए हैं। इसके पिता से मेरा पहला प्रश्न यही था कि आप इतनी बड़ी घटना को इतने दिन बाद क्यों लेकर आ रहे, तब आपने मेरी सेवा क्यों नहीं ली। उनका कहना है कि लड़की को डरा दिया था, आज हमें लड़की ने बताया है और ये स्वयं भी इस बात को बता रहे हैं कि लड़की कुछ माह से गर्भवती भी है। अब ये परीक्षण के बाद पता चलेगा। अब अपराध दर्ज कर दिया गया है, अपराधियों की गिरफ्तारी करके सख्त कार्रवाई आज से प्रारंभ की है। टाइम स्टोरी के लिए उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर से दीपक वत्स की रिपोर्ट।